नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने 8 सितंबर को चुनाव आयोग को बताया कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके साथ हैं। ऐसे हालात में अजीत गुट पार्टी पर दावा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पार्टी का अध्यक्ष बनना और पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों के खिलाफ आयोगता की कार्रवाई की जाए। उधर अजीत पवार ने चुनाव आयोग को बताया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है, पार्टी का बहुमत और संख्या हमारे पास है, इसीलिए हमारे गुट के विधायकों पर आयोगता की कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल जुलाई 2023 में अजीत पवार 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से उन्हें आयोग ठहराने की मांग की है। वहीं अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन में दावा किया था कि वो एनसीपी हैं जिसके अध्यक्ष अजीत पवार हैं। अजीत गुट ने इससे जुड़े दस्तावेज भी चुनाव आयोग को सौंप दिए थे। आयोग ने इस पर जवाब देने के लिए शरद पवार गुट को 3 हफ्तों का समय दिया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से मिली मियाद खत्म होने से पहले ही शरद पवार ने मेल के जरिए जवाब दाखिल कर दिया। इसमें उन्होंने अजीत के दावों का खंडन किया है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।